जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलियो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे नॉर्मलाइजेशन को लेके कि सर नॉर्मलाइजेशन का एसएससी जीडी में किसको फायदा होता है और किसको होता है सबसे बड़ा नुकसान। तो आज मैं बताने वाला हूँ किस किस को फायदा होता है नॉर्मलाइजेशन का। ओरिजिनल में नॉर्मलाइजेशन को आप समझ नहीं पा रहे, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि समांतर कर दे पेपरों का स्तर, समांतर कर दे पेपरों का स्तर। क्योंकि मान के चलिए कि 50 लाख बच्चे एसएससी जीडी के फॉर्म भरे हैं और लगभग लगभग मान लो इनमें से ज्यादा नहीं तो 60% या 50% लोग भी प्रेजेंट रहेंगे, तो बहुत एक बड़ा आंकड़ा है 30 लाख के आसपास जो पेपर देगा, या मान लीजिए 35 लाख है जो पेपर देगा। तो इतना पेपर होगा, हर रोज 3 शिफ्ट में पेपर होगा, हर रोज 3 शिफ्ट में पेपर होगा। आपको पता है लगभग 30 दिन यानी एक महीना आसपास इसका पेपर चलना है, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक पेपर चलना है। तो हर रोज 3 तो कितने शिफ्ट हो गए, टोटल 90 पेपर हो गए। अब एक बात आप सोचिए कि 3 पेपर हर रोज होंगे और 30 दिन में 90 पेपर हो गए, ये तो हो नहीं सकता कि 90 के 90 जो पेपरों का जो स्तर है वो समान हो। किसी भी कंडीशन में समान नहीं होगा, कोई पेपर हल्का इजी होगा, कोई हार्ड होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो लाडलो इस समान को एक रूप में बदलने के लिए, साथ ही एक चीज और, जिनका पेपर जैसे जल्दी होता है, जिनका हार्ड होता है बाद में। अब मुझे ये बताओ कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर उनको पता कैसे चलता है कि ये पेपर तो हार्ड हुआ और ये इजी हुआ, ये बात कैसे पता चल जाती है? जब वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो उनके समक्ष ये बात कहां से आती है कि ये पेपर हार्ड है ये इजी है? तो इजी वाले में से मान लो कम करते हैं, हार्ड वाले में अगर नंबर बढ़ाते हैं, कम बहुत रेयर केस में होते हैं, नंबर बढ़ते ज्यादा है, माइनस बहुत ही कम होते हैं, बढ़ते ज्यादा, कई बार 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर भी बढ़ते हैं, किसी के पॉइंट 5 बढ़ते हैं, किसी के पॉइंट 10 भी बढ़ते हैं। लेकिन आप ये क्वेश्चन आता है कि सर उनको फिर बाद में पता कैसे चलता है कि ये पेपर हार्ड था? अगर उनको पहले से ही ये पता तो वो एक समान ही पेपर क्यों नहीं बना लेते? बात लॉजिक वाली है, आपकी बात सही। मैं बताता हूं कैसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि 3 शिफ्ट की बात करते हैं, हम केवल एक ही पारी के 3 शिफ्ट की बात करते हैं कि 3 पेपर, मान लो एक दिन में 3 पेपर है, पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। इसमें भी 1000 बच्चों ने पेपर दिया है, इसमें भी 1000 बच्चों ने पेपर दिया है और इसमें भी 1000। लाडलो जिस प्रकार से जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है उसी प्रकार यहां पर हो जाता है कि जब 1000 बच्चों ने जैसे 3 पेपर लिए गए, तीनों पेपर अलग अलग बोर्ड द्वारा बनाए गए, एक ही बोर्ड द्वारा बनाए गए, तो उनमें से एक ना एक पेपर हार्ड और इजी होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो मान लो कि 1000 बच्चों ने पेपर दिया, किसी के 40 नंबर आए जो होशियार, उसके 90 आए, किसी के 60 आए, किसी के 35 आए। जब 1000 बच्चों का औसत ज्ञात किया गया यानी उनके नंबर लिखे, उसमें 1000 का भाग दिया, तो मान लो औसत आया 55। बात समझ आई? फिर उसी प्रकार दूसरे पेपर को जब भाग दिया यानी किसी के 90 आए, किसी के 80 आए, ज्यादा इस पेपर में ज्यादा ज्यादा नंबर आए, तो इनका जब औसत ज्ञात किया गया था औसत आया 60। और मान लो ये बच्चे हैं, इनका औसत जब ज्ञात किया तो इस पेपर में ज्यादातर बच्चों के कम नंबर आए, मान लो 40 आए। तो बात ऐसी है बेटा कि 1000 बच्चे इसमें थे, 1000 बच्चे इसमें, इसका औसत 40 आया, इसका मतलब है कि इस पेपर का लेवल हार्ड है। यह उनका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि पेपर हार्ड है, इसका मतलब है कि पेपर इजी, इसलिए नंबर ज्यादा है। क्योंकि 1000 में यह तो हो नहीं सकता कि इसमें होशियार ज्यादा है, अगर 1000 प्रत्येक 1000 चुने जाते हैं तो लगभग लगभग उसका मायना यह होता है, हो सकता है कि 2-4 बच्चे होशियार हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस 1000 में तो सारे होशियार है और दूसरे वाले 1000 में पूरे डपोल है, ऐसा नहीं होता। तो यहां से पकड़ा जाता है कि इस पेपर का लेवल हार्ड है। अब इसको समान करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हम 3 शिफ्ट की बात करें तो क्या करते हैं, इन तीनों शिफ्ट की जैसे औसत है इसका योग कर लिया जाता है, इनका योग करके उसमें भाग दिया जाता है, जैसे 55 प्लस 60 प्लस 40 बटा 3, 3 है ना, तो इसको 55 और कितने हो जाएंगे लाड लो 155। अब मान लो ये 155 हो रहे हैं, इसकी मान लो 155 ये हो गए, इसकी जगह मान लो कि ये 153 हो रहे हैं, मान लो ये 53 हो रहे हैं, यहां पर 55 नहीं, यहां पर 53 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लो इनमें 1000 बच्चों के 53 आ रहे हैं, इसमें 3 का भाग दिया जाता है, कितनी बार जाएगा बेटा, 5 और 1 51, 51 हो गया। इसका मतलब है कि इसमें से क्या हो जाएगा लाड लो, -2 हो जाएगा, इसमें से -9 हो जाएगा और इसमें से +11 हो जाएगा, ये स्तर। अब ये नंबर आप बोलोगे सर सबको बराबर कर देंगे तो फिर तो सबके नंबर ही बराबर हो जाएंगे, नहीं, औसत को बराबर किया है तो यानी प्रत्येक लड़के के जिसके 40 आए थे उसके 38 हो जाएंगे और जिसके मान लो इसमें 40 आए थे उसके +11 होके कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, जिसके 51 आए थे उसके +11 होके कितने चले जाएंगे, 62 चले जाएंगे,
ठीक है। अब मान लो किसी के 90 थे, उसके 11 प्लस होके 101 चला जाएगा, तो हाँ 100 से भी बार नंबर हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब इसका फायदा किसको मिलता है नॉर्मलाइजेशन का, मैं आपको बताऊं कि इसका जो फायदा मिलता है ज्यादातर उन बच्चों को मिलता है जिनका पेपर मुश्किल हो, पेपर हार्ड हो, उनको ज्यादा फायदा इसका मिलता है। जब भी जिस भी बच्चे का या जिस सेशन का पेपर हार्ड होगा उनको नॉर्मलाइजेशन का पूरा पूरा फायदा मिलता है। उसके पीछे एक रीजन है, हार्ड पेपर में क्या होता है कि पेपर में नंबर कम बनेंगे, और जब नंबर कम बनेंगे सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन में इस सेशन में या इस शिफ्ट में नंबर ज्यादा प्लस होंगे। अब इसी के कारण जब शुरुआती दिन में जिनके पहले पहले पेपर होता है, जैसे अभी एग्जाम शुरू होने वाला है 16 तारीख से 17 तारीख से, ये बिल्कुल फ्रेश पेपर होते हैं। इनमें क्या होता है कि पेपर की प्रकृति समझ में नहीं आती है बच्चों को, किस प्रकार कैसा सिलेबस आएगा, और इन बच्चों को टाइम भी कम मिलता है अंतिम बच्चों के बजाय। तो इन बच्चों की जो शिफ्ट होती है वो हमेशा अंतिम बच्चों की शिफ्ट से ज्यादा नंबर क्रिएट नहीं कर पाती है, क्योंकि अंतिम में आप मान के चलिए अब कोई एक बच्चा, उसको एक महीने का टाइम मिला, मान लो उसका 15 दिसंबर, एक महीना ज्यादा मिला, प्लस इसको पेपर के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे आ रहा है, तो सीधी सी बात है स्कोर अच्छा करेगा। तो ऐसा थोड़ा ना इसको फायदा हो जाएगा, नहीं, इनको भी फायदा दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन इसी को बोलते हैं, समानांतर कर देंगे स्कोर इसको, ठीक है। इसीलिए जिनका अगर नजदीक पेपर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जिनका बाद में उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत जैसी है परिणाम वैसा होगा। नॉर्मलाइजेशन के फायदे भी है नुकसान भी, इसका साइड इफेक्ट हर एक चीज का होता है, इसका भी है। कई बार इसकी चपेट में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके नंबर ज्यादा होते हुए भी, माइन मान लो 73 थे, 2 माइनस हो गए, 71 हो गए, और मेरिट चली गई 71.5, फिर लास्ट में वो रोते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, आप दिल्ली में जो बच्चे बैठे हैं अभी धरने पे, उन कई बच्चों का ये कहना है कि सर हमारे मेरिट से ज्यादा नंबर थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारे नंबर कम हो गए। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 70 थे, प्लस 5 हो गए 75, अब इनका नंबर आ गया। बात समझ आई? तो नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली फायदा किसका होता है बेटा? नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली फायदा होता है जिनका पेपर हार्ड होता है या शिफ्ट ज्यादा मुश्किल होती है। अब पेपर इजी है तो आप वैसे ही नंबर ले आओगे, आपको प्लस करने की जरूरत ही नहीं। कुल मिला के बात यह है कि जो नियम सरकार के हैं वो सही है, गलत नहीं है, आपकी जैसी मेहनत है वैसा परिणाम आएगा। आप नॉर्मलाइजेशन को ना तो गलत बोल सकते हो, किसी भी कंडीशन में आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन गलत है, वो सही करता है, गलत नहीं करता। उसके किसी के रिश्तेदार नहीं है कि किसी एक बच्चे का नंबर बढ़ाते हैं कि इस शिफ्ट में मेरा रिश्तेदार 1000 बच्चों के या 50000 बच्चों के नंबर बढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ किसी का रिश्तेदार नहीं है, वो एक कॉमन फैक्टर पे चलता है, एक पूरी प्रक्रिया जिस आधार पर नॉर्मलाइजेशन ऊपर नीचे करता है, किसी एक विशेष बच्चे के लिए वो नियम नहीं है। तो उसका फायदा और नुकसान जिसको भी होता है वो आप में से ही है, फायदा भी आप में से होगा और नुकसान भी आप में से होगा। कहने का मतलब बेसिकली वो नुकसान नहीं है, वो समानांतर करते हैं, पेपर के स्तर को समान करते हैं। बात समझ आई? लेकिन ज्यादातर फायदा उन बच्चों को होता है जिनके पेपर हार्ड रहते हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चे क्या नंबर फिक्स आते हैं, प्लस प्लस और हो जाते हैं तो उनके मजे बन जाते हैं। इसीलिए जो पढ़ने वालों को तो कहने मतलब फायदा ही फायदा, नुकसान है नहीं, और जो नहीं पढ़ने वाला है उसका नुकसान ही नुकसान है। नॉर्मलाइजेशन से भी उसका कुछ भला नहीं हो सकता। बात समझ आई? जय हिंद, जय भारत, मेरे लाडलू।